ज्वाइनिंग के बाद क्या करें दोस्तों? ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि ठीक है हमने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, अब हम क्या करें? उनका अपलाइन बताता है, उनके समझ नहीं आता। हालांकि अपलाइन भी सही बताता है, ऐसा नहीं अपलाइन गलत बताता है। अपलाइन ने भी दुनियादारी देखी है, अपलाइन ने भी जगह जगह धक्के खाए हैं, घाट घाट का पानी पिया, वो भी सही बताता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, इसीलिए अपलाइन की बात समझ नहीं आती। वो व्यक्ति दूसरों से पूछता है कि हम ज्वाइनिंग के ठीक बाद क्या करें। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको समझ नहीं आ रहा कि ज्वाइनिंग के ठीक बाद क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए जिससे कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, राइट? तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वाइनिंग के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपको लिस्ट बनानी है कम से कम नहीं 200 लोगों की। लिस्ट कैसे बनाएंगे? जिसके आप ग्राहक है वो आपका ग्राहक बन सकता है, सिंपल, ज़्यादा कहीं नहीं भटकना। जिसके आप ग्राहक हैं वो व्यक्ति आपका ग्राहक बन सकता है, जिससे आप दूध लेते हैं, जिससे आप सब्जी लेते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने आता, कोई भी व्यक्ति जो आपसे डेली मिलता है, कोई भी व्यक्ति जिसका मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में है, ठीक है, वो व्यक्ति आपका ग्राहक बन सकता है। ऐसे ऐसे 200 लोगों की, कम से कम नहीं 200 लोगों की लिस्ट बनाइए। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए। दूसरा काम, लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट कीजिए। किसी को इनवाइट कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैंने वीडियो के लिंक डाल रखे हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को इन्वाइट करते हैं। हर व्यक्ति को इनवाइट कीजिए, जितना की भी आपने लिस्ट बनाई है, और सभी को अपनी कंपनी के सेमिनार दिखाइए, 1-to-1 अपने अपलाइन के साथ बिठाइए। अगर आप इतने सक्षम है कि आप खुद प्लान दे सकते हैं तो खुद से उस व्यक्ति को प्लान देना स्टार्ट कीजिए। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंटेशन। आपने क्या किया, आपने किसी व्यक्ति को इनवाइट कर लिया, उसके बाद आप उस व्यक्ति को पूरा का पूरा प्लान समझाइए, ठीक है। प्लान कैसे देते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्लान देने के लिए एक चीज़ आप याद रखिए, कभी भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना। प्लान आप ऐसा बनाइए कि आप 30 से 35 मिनट 40 मिनट में प्लान को ख़त्म कर दें, राइट, ताकि बाकी का जो टाइम है वो फॉलोअप और क्लोजिंग में लग सके। चौथा पॉइंट, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। दोस्तों ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति का सही से फॉलोअप नहीं लेते तो वहाँ पर क्लोजिंग भी नहीं होती, और सबसे ज़रूरी होता है कि आप क्लोजिंग को ऑन द स्पॉट करें तो बहुत बेटर होता है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है आपके प्लान को लेके वह भी बदलती जाती है ना। तो लास्ट में आपको क्या करना है, फॉलोअप एंड क्लोजिंग पर फोकस करना है। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।